told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. तो गाइस, तो ये हमारी मॉर्निंग थी, क्योंकि एक्चुअल में हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पे कल रात में. और सीन ऐसा हुआ था कि कल मतलब बहुत ज़्यादा बारिश के कारण हमने मतलब कल रात में मतलब कुछ व्लॉग वैसे भी शूट नहीं कर पाया. तो मैं सोचा कि अर्ली मॉर्निंग मतलब एक बार रिसॉर्ट का पूरा टूर दे देंगे. यहाँ साइड से एंट्रेंस है और ये साइड में यहाँ पे पीछे में यहाँ से वाटर पार्क का एंट्रेंस है और यहाँ से रिसॉर्ट का एंट्रेंस है. सो मेरा ऐसा बोलना था कि एक बार आप लोग भी अगर रिसॉर्ट का पूरा टूर देख लेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि इस रिसॉर्ट में मतलब कैसा कैसा. और ये यहाँ पर बहुत सारी यूनिक थीम्स रखी गई है. कल रात में हमने मतलब जितना देख पाए, जितना एक्सप्लोर कर पाए हम लोग खुद से, उतना हमने कल किया. और आज सुबह मैं सोचा कि अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर दूँगा, क्योंकि मौसम भी अच्छा खासा खुला हुआ है. सो अभी बारिश नहीं है तो सोचा कि अब भी व्लॉग करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नाइट में उतना बेटर नहीं था सब चीज़ें बताना. तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे एंट्रेंस है. यह है गेट नंबर 1 एको फॉरेस्ट का. सो यहाँ से एंट्रेंस होता है वाटर पार्क का, जो जैसे यहाँ से अपन एंटर होते हैं तो यहाँ पर वेलकम टू द जंगल के यहाँ पर बोर्ड दिखे जाते हैं. और ये यहाँ पे स्विमिंग पूल है, पहले तो छोटा सा जिसको बेबी पूल बोला जाता है. और बेबी पूल से फिर यहाँ पे पीछे साइड में स्लाइड्स है और ये साइड में यहाँ पे फूड कॉर्नर वगैरह दिया है. और इसके बाद में ये साइड से मतलब पूरा वाटर पार्क का भी जो थीम है वो यहाँ साइड से चालू होता है. अभी उतना तो मतलब अभी एकदम अर्ली मॉर्निंग है तो ज़्यादा कोई लोग नहीं है, बट संडे सैटरडे यहाँ पर ऐसा होता है कि सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं पर होती है, क्योंकि ये एक मतलब ऐसा जंगल के बीच में है. और बीच में रहने के कारण यहाँ पे कैसा है कि लोग बहुत ज़्यादा मतलब पार्टीज़ हो गया, उसके बाद में डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो गई, तो ऐसे रिसॉर्ट्स पे सबसे ज़्यादा होती है. तो मतलब ये इस तरीके का मतलब थीम बनाया गया है कि आप वन डे पिकनिक भी इंजॉय कर सकते हैं और उसके बाद में अगर कोई पार्टी या फिर फंक्शन है तो वो भी इंजॉय कर सकते हैं. तो इस साइड में ऐसा है मतलब छोटे छोटे यहाँ पे मतलब ये एक पूल है, उसके बाद में यहाँ पे छोटी स्लाइड्स, यहाँ पे बड़ी स्लाइड्स है, मतलब एक पूरा मिक्स है स्लाइड्स का. और उसके बाद में ये साइड में अगर आप आते हो तो ये साइड में आपको बैठने की जगह मतलब जो फूड कॉर्नर वगैरह होता है, जैसे जो फूड जो अगर मंगवाते हैं तो वो ये साइड में. ये एक छोटा सा यहाँ पे पहले तो पूल दिया गया है, उसके बाद में ये साइड में यहाँ पे वॉल आर्ट मतलब जो वॉल आर्ट्स है वो सब दिया गया यहाँ पे. और उसके बाद में बीच में मतलब यहाँ पे छोटी छोटी जगह दिया गया बैठने की. और इसके बाद में ऊपर साइड में यहाँ पे मतलब यहाँ पे वॉशरूम और यहाँ पे चेंजिंग रूम जो है वो यहाँ पे दिया गया. तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे मतलब पूरा बनाया गया है. और मेन अट्रैक्शन इसका मतलब यहाँ पे का जो स्पेशल चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे जो फिल्म स्टार है अमिताभ बच्चन, उनका यहाँ पे पूरा जो जर्नी है, जो स्टोरी है, वो यहाँ पे वॉल पे पूरी बनाई गई है. तो जर्नी जो है उनकी उस वो किस तरीके से थी, और उसके बाद में अभी जो रीसेंट जो उनकी जो फिल्म आई थी झूंड, जो कि नागपुर में ही शूट हुई है, तो वो भी यहाँ पे अच्छी तरीके से दिखा गया. सो
यहाँ से ये जर्नी स्टार्ट होती है। और ये जो ट्रिब्यूट है वो डॉक्टर राजेंद्र पटोले की तरफ से दिया गया है अमिताभ बच्चन को। सो यहाँ से ये जर्नी स्टार्ट होती है और ये पूरा इस तरीके से कवर होती है कि जो जो फिल्म्स आई थी उनकी, मतलब बैक टू बैक जो उन्हें सुपर हिट्स दिया था अपने, और उसके बाद में जो उनकी जर्नी रही है जिस तरीके से, वो पूरा मतलब वॉल पे ऐसा दिया गया। और नाइट के टाइम में भी देखने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइलेंस होता है और यहाँ पे मतलब जो लाइट्स और जो इन्हें थीम रखा है नाइट के टाइम पे, वो नाइट थीम भी इनकी बहुत अच्छी है। सो गाइस, तो ये है मेन अट्रैक्शन यहाँ का कि यहाँ पे ऐसे स्लाइड्स है और यहाँ से पूरा मतलब जो पानी का जो फ्लो है वो स्लाइड्स में यहाँ से पूरा आता है। और यहाँ पे फिर ये यहाँ पे बीच में रेन डांस दिया गया है कि जो म्यूज़िक के साथ में होता है। और यहाँ साइड में ये म्यूज़िक बॉक्सेस है, ये यहाँ पे पंप हाउस है जो पूरा पानी रेगुलेट करता है। और यहाँ का मतलब मेन चीज़ ऐसा होता है कि वाटर पार्क्स में मतलब बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो पानी है उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ आती है, बट यहाँ का जो पानी है वो देख के समझ में आ रहा है कितना साफ़ है क्योंकि यहाँ पे प्रॉपरली वाटर को मैनेज किया जाता है बहुत अच्छे से। और यहाँ पे जो क्लोरीन परसेंट वगैरह है जो वाटर में डाला जाता है एक्चुअल में, वो सभी देखा जाता है ताकि किसी के बॉडी पे ईचिंग है या फिर कोई टाइप का इन्फेक्शन ना हो। We could be okay, okay, okay. Maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. You better away. As you fade away. As you fade away.
trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. So guys, तो ये साइड से ऐसा एंट्रेंस है, ये साइड में डॉर्मेट्रीज है, ऊपर नीचे दो साइड, और ये साइड में ऐसा हाउसेस है जहाँ पे नीचे एक रूम है और ऊपर एक रूम है. और स्पेशली यहाँ पे हर घर को एक ऐसा नाम दिया गया है जो कि एक यूनिक चीज़ बनाता है, जैसा ये शौर्य है. तो वैसे यहाँ पे हर घर पे एक मतलब एक एक नाम दिया गया है हर एक घर को. और यहाँ पे भी मतलब हाल ही में बहुत ज़्यादा गेस्ट है क्योंकि संडे सैटरडे को मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड रहता है ये रिसॉर्ट का, क्योंकि मतलब करनला रिसॉर्ट बोले तो मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है हर जगह. और टाइगर पैराडाइज बोलते हैं तो ये रिसॉर्ट सबसे ज़्यादा मतलब लोगों में पॉपुलर है. और पार्टीज़ के लिए ये रिसॉर्ट में मतलब हाईली रिकमेंडेड रहता है क्योंकि यहाँ पे फुल प्राइवेसी रहती है और कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है यहाँ पे. और दूसरी चीज़ यहाँ पे मतलब आपको एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलेगा, ग्रीनरी हर जगह मिलेगी. तो गाइस जब हम मतलब पीछे से ये साइड से आते हैं तो यहाँ पे ये एक ऐसा छोटा सा पैसेज है मतलब बैठने वगैरह के लिए. ये साइड में ऊपर में जो दिख रहा है ये यहाँ पे जो डिस्को है वो ये साइड में, और यहाँ पे सब स्लाइड्स और जितना भी खेलने की चीज़ें सब यहाँ पे. और ये साइड में पीछे आपको किचन दिखेगा, इसके अंदर में किचन है और ये साइड में हॉल है और वो साइड में थोड़ा सा प्लेस है ऐसा घूमने के लिए. सो यहाँ पे बहुत सारे मतलब क्या बोला जाता है वो जो स्लाइड्स होती है और जो गेम्स होते हैं जो बच्चों के लिए स्पेशली होते हैं वो यहाँ पे है. और यहाँ पे और एक मेन चीज़ है कि आपको भी दिख रही होंगी, ये ऊपर में ऊपर के साइड में जो रोप लाइन है, ये रोप लाइन बहुत फेमस है हर जगह. ये जो यहाँ से जाती है और ये चालू होती है ये साइड से, और ये यहाँ साइड से कवर होते हुए ये पूरा एंड पॉइंट तक यहाँ तक जाती है. सो यहाँ पे जो एंड पॉइंट इसका यहाँ तक आई है ये. और यहाँ पे मतलब ये एक साइड हुआ और उसके बाद नेक्स्ट इसका ही मतलब दूसरा साइड जो है, जो यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो है मतलब स्पेशल एडवेंचरीज एक्टिविटीज़ जो रहती है वो ये साइड में यहाँ पे मतलब. तो ये भी अच्छा खासा यहाँ पे बड़ा मतलब ऐसा पैसेज है जहाँ पे ये एडवेंचरस एक्टिविटीज़ है. और उसके बाद में ये ख़त्म होने के बाद में और जो बाकी जो स्लाइड्स है वो चालू होती है ये साइड से. ये साइड में भी अम्यूज़मेंट पार्क जो है वो कंटिन्यू है और पीछे साइड में मतलब छोटी सी पार्किंग वगैरह भी दी गई है कि जो ज़्यादा दिन के स्टे लेते हैं वो गाड़ी अपने अंदर पार्क कर सकते. तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा मतलब ये रिसॉर्ट को बनाया गया है. और ये जिस तरीके से डिज़ाइन किया है यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप आते हो तो कम से कम 102 दिन के लिए आना, मतलब जो वीकेंड्स होते हैं जैसे सैटरडे संडे जो होता है तो उस वीकेंड्स के लिए ये सबसे ज़्यादा आपके लिए वर्थ है. और मानसून के टाइम में तो बहुत ज़्यादा वर्थ है क्योंकि आप भी देख रहे हैं वेदर इतना मतलब अच्छा हो रहा है. और संडे और सैटरडे के दिन अगर आप यहाँ पे हैं तो बहुत ज़्यादा खुद को अपने माइंड को और खुद को बहुत ज़्यादा फिजिकली और मेंटली दोनों टाइप से रिलैक्स कर सकते हैं. You fade away, yeah, 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 yeah. As you fade away, yeah, yeah. So guys, so इस तरीके से ये रिसॉर्ट का पूरा व्यू बना है. और रिसॉर्ट का नाम भूलना मत, द टाइगर पैराडाइज रिसॉर्ट वाटर पार्क. सो ये आप अगर गूगल डालते हो तो गूगल पे भी आपको डायरेक्टली मिल जाएगा. और अगर आपको कोई लोकेशन की प्रॉब्लम जाती है तो आप गूगल मैप्स के थ्रू भी आ सकते हैं. और इसके जो बुकिंग के चार्जेस वगैरह है वो वेरीज करते रहते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑफर्स वगैरह बहुत सारे आते रहते हैं. सो तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मतलब इनके जो कॉन्टैक्ट नंबर्स है उस पर कॉल करके भी आप उनसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पर कोई ऑफर्स चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑफर्स बहुत सारे चलते रहते हैं. और यहाँ पर शायद ऐसा है कि मेम्बरशिप का भी है क्योंकि बहुत लोग मेम्बरशिप भी लेते हैं रिसॉर्ट्स की, तो यहाँ पर भी शायद उस तरीके से कुछ है. अगर मुझे पता चलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से डाल दूँगा. और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएंगी कि यहाँ पे आना कैसा है, मतलब जो लोकेशन है वहाँ तक पहुँचने का जो लिंक है गूगल मैप का वो मैं डाल दूँगा. और उसके बाद में इसके जो कॉन्टैक्ट नंबर्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा जहाँ पे आप कॉल करके उनको पूछ सकते हैं कि यहाँ का भी एक्चुअल प्राइसेस अभी क्या चालू है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत वेरीज होते रहते हैं. सो
मेरे को कमेंट में ज़रूर से बताना कि आपको रिसॉर्ट कैसा लगा, क्योंकि हम लोग ने मतलब कल रात से अभी तक का जितना भी यहाँ पे चीज़ें इंजॉय किया तो हमको तो बहुत ज़्यादा वर्थ लगा। और यहाँ पे अगर कुछ नई चीज़ और आती है तो वो हमको यहाँ पे जल्दी देखने मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि हर मतलब कुछ टाइम के बाद में एक नई नई चीज़ें आते रहती है। तो इससे क्या होता है कि आप जब भी आओगे तो आपको एक यूनिक और नई चीज़ ज़रूर से मिलेगी। तो यहाँ पे आना कभी मत भूलिए, क्योंकि पार्टीज़ के लिए बेस्ट प्लेस है। और आपने वैसे भी अभी पार्टीज़ कर करके बाकी रिसॉर्ट्स में बोर हो चुके होंगे, तो ये रिसॉर्ट में आना आपको ज़्यादा वर्थ है। Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disc. So, guys, तो अभी मतलब breakfast program हो गया था और हमारा थोड़ा जल्दी निकलने का प्लान था। एक्चुअल में कुछ ज़्यादा समय में हम यहाँ पे मतलब नहीं रुक पाए, क्योंकि बाकी भी काम थे और सभी को बाकी मतलब जो भी हमारे साथ आए हुए थे सभी को अपने काम थे, तो ज़्यादा टाइम तो नहीं रुक पाए। सो अगर आपको वीडियो यहाँ तक अगर देखा और पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करके जाना, और अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना, ताकि ये न्यू प्लेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पता चल सके। और आपने ऑलरेडी ये जगह मतलब बहुत जगह देखे होंगे। सो Till then, keep supporting, stay fit, stay healthy, fit the poor, help each other, and take care. Bye-bye. Grace, I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt.